हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं बात करने वाला हूँ जीपी रेटिंग के बारे में। बिना वक्त को ऊपर बात किए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जीपी रेटिंग 6 महीने का रेसिडेंशियल कोर्स होता है। इसको 6 महीने रह के कॉलेज में ही पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप सिप पे जा सकते हो। जीपी रेटिंग के लिए आपको पहले क्वालिफिकेशन चाहिए 60% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ इन 10th या 12th। कुछ कॉलेजेस हैं जो 12th के बेसिस पे भी सिलेक्शन करते हैं। जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए आपको मेडिकली फिट होना ज़रूरी है। आपको मैं रिक्वायरमेंट्स बताने वाला हूँ कि जीपी रेटिंग के लिए क्या क्या नेसेसरी है। सबसे पहले आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट। 10th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्रेफर करता हूँ कि ले लेना, क्योंकि कुछ कॉलेजेस हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे ही लेती हैं, कुछ कॉलेजेस जो हैं वो 12th के बेसिस पे भी एडमिशन लेती हैं। अब आपको मैं बता दूं कि जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए फीस कितना लगेगा। बेसिकली मिनिमम जो फीस है वो स्टार्ट होता है 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक भी जाता है। कुछ कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। सबसे जो कम फीस है वो है नूसी गोवा का, जो कि मात्र 1.5 लाख लेता है, और सबसे ज़्यादा जो फीस है वो है ग्रेट ईस्टर्न का, जो 4.5 लाख लेता है। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि आप अगर ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप एग्ज़ाम क्लियर करके अगर शिप पे चले जाते हो तो इसके बाद आगे का करियर बात आपका कैसा होगा। बेसिकली जो जीपी रेटिंग या जनरल पर्पस रेटिंग वालों का काम होता है वो होता है चिपिंग, पेंटिंग, क्लीनिंग, मीन्स एट सपोर्ट लेवल। यू हैव टू वर्क एट सपोर्ट लेवल। दूसरी बात, आप अगर शिप पे जा रहे हो तो आपको मिनिमम 9 महीने या 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा जो कि आपको पूरा करना पड़ेगा। बीच में अगर आप आना चाहते हो तो आप आ भी सकते हो, मतलब ऐसी कोई वो नहीं है कि कुछ अगर घर पे इमरजेंसी है तो आ सकते हो। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, सैलरी। बेसिकली जो सैलरी होती है वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है। कुछ कंपनी जो है वो $150 भी देती हैं, कुछ जो है वो 900 भी देती हैं, तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। एंड ऑन एन एवरेज अगर लेके चले तो आई थिंक नियरली $300-$350 सैलरी मिलेगा। अब बात करते हैं शिप से वापस आने के बाद आपका प्रोसीजर क्या होगा। शिप से जब आप वापस आओगे तो आपको वॉच कीपिंग निकालना पड़ेगा। वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट होता है, वो चाहिए आपको। वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट आपको लेके फर्दर रैंक्स में जाने के लिए आपको वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट चाहिए। वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट के लिए मिनिमम जो सी टाइम चाहिए वो है 6 महीने। 6 महीने अगर आप शिप पे रह के आते हो और अपना साइन ऑफ करवाते हो आपके सीमैन प्रोफाइल में, तो आपको वॉच कीपिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बट आगे क्या, वॉच कीपिंग निकालने के बाद आप आगे ऑन रैंक ऑफ OS ऑर्डिनरी सीमैन जा सकते हो। जीपी रेटिंग कोर्स करके गए तो आपका रैंक क्या था, ट्रेनिंग OS। लेकिन एक बार शिप से आने के बाद दूसरी बार अगर जाओगे वॉच कीपिंग निकाल के तो आप जाओगे ऑर्डिनरी सीमैन के रैंक पे। इसमें आपको सैलरी इंक्रीमेंट भी मिलेगी, आपका वर्कलोड भी थोड़ा कम रहेगा, वॉच करने को भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, जल्दी नए वीडियो के साथ वापस आता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना मत भूलना। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।